मोदी ते भारतीय हुकूमत सुन ले, तिरंगे वाले पंजाब नु छड़ के दिल्ली वापस पहुंच गए। पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद उन्होंने दिल्ली लौटते ही खुद के सलामत पहुंचने पर सबसे पहले सीएम चन्नी को दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो कुछ भी पीएम मोदी के साथ फिरोजपुर जाने के क्रम में हुआ, उससे पूरे देश में सनसनी मच गई कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा सकती है। मीडिया में आई खबरों की माने तो पहले प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्होंने सड़क मार्ग का विकल्प चुना, जहां रास्ते में उनका पाला कुछ प्रदर्शनकारियों से पड़ा, जिन्होंने पीएम मोदी के निर्धारित किए गए मार्गों को अवरुद्ध किया। नतीजतन पीएम मोदी को बाध्य होकर राजधानी दिल्ली का रुख करना पड़ गया। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि आखिर पीएम मोदी का काफिला किन रास्तों से होकर गुजरने वाला है। इस बात की जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे हुई? आखिर पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ साथ इस अहम जानकारी में सेंधमारी करने वाला वो शख्स कौन है? फिलहाल ये जांच का विषय है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं, साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सच उजागर जरूर होगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की रैली को अवरुद्ध करने का प्लान काफी पहले ही बनाया जा चुका था, और इस प्लान को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शुरू से ही मोदी सरकार के खिलाफ अपना झंडा बुलंद करने वाला खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस है। खबरों की माने तो उक्त खालिस्तानी संगठन ने पीएम मोदी द्वारा निर्धारित किए गए मार्गों को अवरुद्ध करने की योजना काफी पहले ही बना ली थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपंतवंत सिंह पन्नू लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहा है और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की मौत का जिम्मेदार है और इसीलिए फिरोजपुर रैली का जमकर विरोध करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद पन्नू ने एक बार फिर से वीडियो शेयर किया और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मोदी ते भारतीय हुकूमत सुन ले, आज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदो शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नू छड के दिल्ली वापस पहुंच गए, ते खंडे ते केसरी वालिया ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पजा दिता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने कीता है। और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दिती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी, पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम वोटां दी मुहिम वोटां दी है, बंबां दी नहीं है। इन्हां वोटां राही असी पंजाब नू भारत दे कब्जे चो आजाद करवाउणा है। पंजाब ने अज मोहर लाती है इस गल ते कि आउण वाले समय दे विच असेंबली चोणां दे बराबर खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी। ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह कांग्रेस चन्नी है, चाहे वह सिद्धू है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे यह झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया ओदे ते खंडे दी मोर लगेगी, ते तिरंगे वाले जाणगे दिल्ली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो ने एक बार फिर से पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर विवादित सिख संगठन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी ये संगठन विवादों में रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध रही थी। कई मर्तबा किसानों को बरगलाने की कोशिश इसकी तरफ से की जाती रही है, और अब इसी क्रम में पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक में भी सिख फॉर जस्टिस की संलिप्तता ने उसे सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इसका पूरे देश को इंतजार रहेगा। लेकिन इस मसले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी और कौन से राज निकल कर सामने आते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।